नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हमारे प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, चाहे महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें या पुरुषों की, अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो आप अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बेहतर कर सकते हैं, बेटर रख सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई अनेकानेक समस्याएं हमारी माताएं भी अनुभव करती हैं और हमारे भाई भी अनुभव करते हैं। हम आज स्पेसिफिक उन प्रॉब्लम्स के बारे में एक एक करके तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, हाँ आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर हम अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई या सेक्शुअल डिसऑर्डर्स जो हमारे होते हैं उन पर निश्चित रूप से अलग अलग एपिसोड्स बनाएंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इन होल कंप्लीट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने के लिए आसान सी योग क्रियाएं आपको करनी है वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। अपने सपनों को मरने ना दें। सपनों का मर जाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे जीते जी जीने की इच्छा या जीते जी जीने की तमन्ना को छोड़ देना। कहा भी गया है कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सपने देखिए बंद आंखों के साथ और जैसे ही आंखें खुले अपने सपनों को साकार करने के लिए जुट जाइए। आइए जानते हैं आसान से योग की क्रियाएं आपके प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने के लिए। मूल बंद के अभ्यास के लिए पद्मासन लगा करके बैठेंगे और हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे। कमर को सीधा रखते हुए हाथों को अपने घुटनों पर हथेलियों को टिका देना, हथेली आकाश की ओर खुली रहेंगी, आंखें बंद, गहरा सांस लेना और फिर अपनी गुदा को यानी अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, भीतर की तरफ संकुचित कर लेना और इस अवस्था को यथा सामर्थ्य होल्ड करना जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। जब लगता है अब और होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज कर देना यानी अपनी एनस को रिलीज कर देना और फिर से गहरा सांस ले लेना। एक बार और इसको हम रिपीट करते हैं। इनहेल, कॉन्ट्रैक्ट योर एनस, गुदा को पूरी तरह से संकुचित करना, होल्ड और फिर संकुचित की हुई गुदा को रिलीज कर देना, सांस छोड़ देना और फिर से सांस ले लेना। जब आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो आप बिना सांस को होल्ड किए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी इसको कर पाएंगे। अभी आप इसको 9 से 10 बार तक रिपीट करिए और फिर 9 से 10 बार रिपीट करने के बाद हम अपने घुटनों के बल आ जाते हैं और करते हैं बिलावासन। स्थिति में आना, सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा, हिप्स को ऊपर ले जाना और कमर को भीतर दबा देना। सांस छोड़ते हुए हिप्स को आगे की ओर पुश करना और अपनी गर्दन को भी आगे की ओर झुका लेना और अपने पैरों को देखने का प्रयास करना। इनहेल आप, एक्सहेल हिप्स को आगे की ओर पुश करना, चेहरे को आगे की ओर ले जाना, कमर का आंख बना देना। इनहेल स्पाइन डाउन, हिप्स अप, फेस अप, चेस्ट अप, एक्सहेल हिप्स को आगे पुश करना, चेहरे को आगे ले आना, कमर का आर्क बना लेना। इसको आप कम से कम 10 बार रिपीट करेंगे। बहुत जल्दबाजी में भी नहीं करना, बहुत स्लो भी नहीं करना। 10 बार करने के बाद वज्रासन में बैठ करके अपने हाथों को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम रिलैक्स। अपने प्रजनन अंगों को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़, मोबाइल फ़ोन अपनी पैंट या जीन्स या जो भी लोअर आपने पहना है उसकी जेब में रखना बिल्कुल बंद कर दें। एक बहुत ही ख़तरनाक आदत है और ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज करने में सबसे ज़्यादा कारगर होती है। साथ में अगर आप किसी भी तरह का कोई भी आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आप टू मच ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड का इनटेक लेते हैं, टू मच ऑफ तामसिक भोजन करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, पानी खूब पीजिए। और कहा भी गया कि जिसके बारे में हम सोचते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, मन से शुद्ध रहिए, तन से शुद्ध रहिए, शुद्ध विचारों को अपने भीतर आने दें यानी जितने भी अशुद्ध विचार हैं उनसे दूर रहिए, अपनी दिनचर्या बनाइए, प्रकृति के साथ समय ज़रूर बिताइए, समय से भोजन करिए और हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.